एक बार रिवेंज हो सकता है, दूसरा बार भी रिवेंज हो सकता है, लेकिन गाइस मेरे साथ तीन तीन बार होने वाला है, तो गाइस एंड तक जरूर देखना, आप लोगों को देख के बहुत ही ज्यादा मजा आने वाला है। हेलो गाइस, तो कैसे आप लोग फिर से आ चुके और एक नया धमाकेदार लोचन वाला गेम प्ले के साथ। आज है 100 डेज 100 चैलेंज का डे 57 और डे 57 आप लोग को बताने वाले BGMI के नेक्स्ट अपडेट में जो अल्टीमेट सूट आने वाले उसके बारे में पूरा डिटेल्स बताने वाले, तो एंड तक बने रहिए, आप लोग को देख के बहुत ही ज़्यादा मजा आने वाला है। तो गाइस देर ना करते हुए चलिए शुरू करते आज का गेम प्ले। तो इसी के साथ ही मैच का शुरुआत हो जाते हैं उल्टा नगरी में। आप उतरते गाइस जल्दी से गन लूट लेते, लेकिन गाइस एक बंदा मेरे ऊपर पुश कर रहा था। बंदा ज्यादा ही जोश में पुश कर दिया था, तो इसका पेटी बनाते। देन गाइस आगे जाते तो सामने दो बंदा और होता है। अब इन लोगों को कैसे कंफ्यूज करके मारते आप लोग देखो। बंदा टीममेट्स को बचाने के लिए टीपी भी ले रहा था, लेकिन उसे नहीं पता कि हम रोटेशन मार देंगे, तो इन दोनों का पेटी तो बहुत ही इजीली बना देते। देन गाइस आगे जाते तो तीन बंदा मेरे ऊपर पुश कर रहा था। दो बंदे को पकड़ लेते, लेकिन पीछे से इसको कवर दे रहा था। अब चलो थोड़ा दिमाग से खेलते हैं। बंदा अभी तक उधर ही बैठा हुआ था, तो हम सोच रहे थे कि ट्रिक यूज करके ऊपर जाते, लेकिन उसी टाइम पे बंदे को पता चल गया कि हम ट्रिक यूज करने वाले, तो बंदा पुश कर देता है। चल फाइनली टाटा बाय बाय कर देते। गाइस अभी तक आप लोग नॉर्मल फाइट देख रहे थे, अब गाइस इसके बाद जो भी फाइट होगा बहुत ही ज्यादा इंटेंस होने वाला है, क्योंकि नीचे जाके तुरंत फाइट स्टार्ट हो जाएगा। मेरे नीचे एक बंदा होता है, रिकॉल के साइड में अलग स्क्वाड है, लेकिन गाइस उसी टाइम पे और एक बग्गी वाला भी आ जाता है, तो इंटेंस तो भर भर के होने वाला है। मेरा क्लोज वाला तो खत्म हो जाता है, लेकिन रिकॉल के पास वाला स्क्वाड मेरे ऊपर तुरंत रश कर देता है। अब गाइस हम एक्सपेक्ट नहीं किया था कि बंदा ऊपर से आने वाला है। एक बंदे को तो नॉक कर देते, लेकिन दूसरा वाला बंदा मुझे मार देता है, तो हम रिवेंज के लिए वापस इधर ही आते, तो बंदा गाइस उसी टाइम पे निकल ही जा रहा था, तो हम प्रकट हो जाते तो बंदा रुक जाता है। ग्रोजा वाला बंदे को नॉक तो कर देते, लेकिन दूसरा वाले के पास MG होता है, तो मुझे थोड़ा संभाल के खेलना पड़ेगा। आइए दूसरा फाइट में जीत मेरा ही होता है, लेकिन ये लोग रिवेंज लेने के लिए भी आने वाला है, तो गाइस जब तक ये लोग आते हैं आप लोग जल्दी से लाइक कर दो, अगर कोई नया देख रहा है प्लीज सब्सक्राइब कर दो, भाई समझ के थोड़ा सा सपोर्ट कर दो। देन गाइस इन लोग का पेटी से मुझे अच्छा खासा लूट भी मिल जाता है और मेरा पेटी से नया वाला गन भी उठा लेते। रिवेंज के लिए दोनों वापस स्क्वाड हाउस में आ जाता है, लेकिन गाइस ओपन में भी दो बंदा होता है जो उन दोनों के साथ ही फाइट कर रहा था, तो हम सोचते हैं सबसे पहले ओपन वाले को मारेंगे, देन गाइस स्क्वाड हाउस में जाके वापस उन दोनों के साथ फाइट करेंगे।
इन दो बंदे के साथ बहुत ही गलत सीन हो जाता है, पूरा ओपन में सैंडविच बन गया था, तो इन दोनों का पेटी बहुत ही इजीली बना देते। लेकिन गाइस मुझे कार्पेट के पास भी जाना है, अब उन दोनों को मारने के लिए कार्पेट के पास जैसे तैसे करके जाना तो पड़ेगा ही। तो चलो गाइस आ जाते, अब चलो पुश करते हैं। दोनों बंदा अपना क्रेट लूट के स्क्वाड हाउस में बैठा हुआ है, तो पोर्टल यूज करके गाइस हम ऊपर जाते तो एक बंदे को फंसा लेते हैं पहले। एक बंदे को पकड़ लेते, लेकिन दूसरा वाला बंदा अच्छा खेल रहा है, बंदा ऊपर से आने वाला है। ये क्या ही बोलेगा, इस मजा आ गया। इन लोग का रिवेंज कभी भी कंप्लीट नहीं हो सकता है, तो इन लोग का पेटी बना देते। दिन गाइस मुझे लग रहा था इधर पूरा क्लियर हो जाता है, लेकिन गाइस उसी टाइम पे दो बग्गी वाला आ जाता है। बग्गी का साउंड तो आ जाता है, लेकिन बंदा कहां पे समझ में नहीं आ रहा था, तो गाइस हम ऊपर चढ़ जाते हैं। मुझे लग रहा था कि सामने बंदा होगा, लेकिन एक बग्गी वाला पीछे से रोटेशन देके क्लोज इन कर रहा है। एक का पूरा पेटी बना देते, तो तुरंत दूसरा वाला भी क्लोज इन कर रहा था। आइए ओपन से क्लोज इन करोगे तो ऐसा ही होगा, तो इन लोग का पेटी बनाने के बाद इधर पूरा क्लियर हो जाता है। धीरे धीरे हम ब्रिज के पास जाते हैं, तो मुझे सामने बंदा स्पॉट हो जाता है। ये दो बंदे का स्क्रू थोड़ा सा ढीला था, इसके वजह से इन दोनों का पेटी तो बहुत ही इजीली बना देते। लेकिन इसके बाद जो आप लोगों को स्प्रे दिखाने वाले, अगर अच्छा लगे तो लाइक तो जरूर करना, लेकिन कमेंट भी उसके साथ जरूर कर देना। ऑलराइट गाइस, अब देखो एक बंदा बाइक लेके ब्रिज क्रॉस कर रहा था, अब इसको कैसे उतार देते देखो। इस बंदे का सपना तो अधूरा रह गया, कोई बात नहीं गाइस इसका पेटी बना देते। देन मेरा 19 किल तो हो जाता है, तो हम आगे जा रहे थे, उसी टाइम पे नीचे मॉन्स्टर ट्रक दिखता है, तो मुझे लग रहा था गाइस एक ही बंदा होगा, लेकिन हम कूदते हैं तो गाइस बहुत सारा बंदे के मुंह पे कूद जाते, मेरे साथ बहुत ही बड़ा वाला स्कैम हो जाता है। एक बंदे के चक्कर में पूरा स्क्वाड के मुंह पे कूद जाते, तो पेटी तो बनना ही था। अब गाइस देखो नया वाला जो अल्टीमेट सूट का एनिमेशन देखो, अब लोगों को तो बहुत ही ज्यादा मजा आने वाला है, मुझे पक्का पता है। सबसे तगड़ा वाला अगर एनिमेशन कोई होगा तो गाइस ए वाला होगा। अब गाइस चलो आप लोगों को दिखाते एंट्री कैसे लेगा ये वाला एक सूट, मतलब अल्टीमेट सूट। भाई सब क्या ही एंट्री वाला इमोट है यार, मजा आ गया देख के। अब कालीन भाई का कारपेट कहाँ बचने वाला था, अब कालीन भाई का कारपेट देखो यार, कितना अच्छा डिटेलिंग किया है बंदे ने भाई, मजा आ गया देख के। अब इसके साथ गाइस फार्मर्स का स्किन भी आने वाला है, अब ये वाला फार्मर्स का स्किन तो और ही ज्यादा तगड़ा, इसका लूट क्रेट आप लोग देखना।
भाई साहब लूट क्रेट को भी क्या ही बना दिया यार, इतना अच्छा कैसे कोई बना सकता है भाई। बहुत ही ज़्यादा मुझे पर्सनली बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा, आप लोगों को कैसा लगा जरूर कमेंट करके बताना। तो गाइस इसी के साथ ही आज का गेम प्ले इधर ही खत्म होता है। आई होप आप लोग का आज का गेम प्ले अच्छा लगा, अगर अच्छा लगे तो लाइक चैनल सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, हो सके तो फ्रेंड के साथ शेयर भी कीजिएगा। फिर मिलते हैं और एक नया धमाकेदार लोचन वाला गेम प्ले के साथ, तब तक के लिए बाय बाय गाइस, थैंक यू, लव यू ऑल।